हेलो फ्रेंड्स वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल रेडियोलॉजी टेक्निकल फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है बेरियम स्वेलो टेस्ट फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बेरियम स्वेलो टेस्ट का इंट्रोडक्शन इंडिकेशंस इंडिकेशंस इक्विपमेंट कॉन्ट्रास्ट मीडिया पेशेंट प्रिपरेशन प्रोसीजर आफ्टर केयर और कॉम्प्लिकेशंस के बारे में डिटेल्स में जानेंगे तो फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और रेडियोलॉजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो आइए जानते हैं बेरियम स्वेलो टेस्ट के बारे में बेरियम स्वेलो टेस्ट। बेरियम स्वेलो स्वेलो टेस्ट, टेस्ट फ्रेंड्स, का फर्स्ट रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन होता है और फ्रेंड्स यह टेस्ट बीआरटी और डीआरटी दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यह लगभग हर साल एग्जाम में पूछा जाता है तो फ्रेंड्स सबसे पहले अपन इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं इट इज आल्सो कॉल्ड इसोफेगोग्राफी मतलब बेरियम स्वेलो टेस्ट को इसोफेगोग्राफी भी कहा जाता है क्योंकि बेरियम स्वेलो टेस्ट में अपन इसोफेगस का रेडियोग्राफ करते हैं इट इज द रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन ऑफ द अपर गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट मतलब यह टेस्ट अपर गेस्ट्रो इंटेस्टनल ट्रैक्ट का रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन होता है बेरियम स्वेलो इज ए स्पेशल रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द फेरिंग्स इसोफेगस एंड प्रॉक्सिमल स्टोमक विथ यूज ऑफ बेरियम सल्फेट कॉन्ट्रास्ट मीडिया मतलब बेरियम स्वेलो टेस्ट बेरियम सल्फेट कॉन्ट्रास्ट मीडिया के यूज के साथ फेरिंग्स ईसोफेगस और प्रोक्सिमल स्टोमक की एक स्पेशल रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन होता है मतलब बेरियम स्वेलो टेस्ट में पेशेंट को बेरियम सल्फेट कॉन्ट्रास्ट मीडिया पिलाते हैं फिर कॉन्ट्रास्ट मीडिया निगलते टाइम फेरिंग्स इसोफेगस और प्रोक्सिमल स्टोमक की स्टडी की जाती है दिस टेस्ट में बी परफॉर्मेड एस ए सिंगल और डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी मतलब यह टेस्ट सिंगल और डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी के रूप में किया जाता है मतलब बेरियम स्वेलो टेस्ट में सिंगल और डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी दोनों करते हैं फ्रेंड्स इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यह है हमारी इसोफेगस होती है जब पेशेंट को हम ओरल कैविटी में कॉन्ट्रास्ट मीडिया देते हैं तो पेशेंट कॉन्ट्रास्ट मीडिया निगलते टाइम इस प्रकार इसोफेगस में कॉन्ट्रास्ट मीडिया दिखाई देता है फ्रेंड्स अब हम इंडिकेशंस के बारे में जानते हैं मतलब बेरियम स्वेलो टेस्ट अपन क्यों करवाते हैं फर्स्ट नंबर है डिस्पेजिया मतलब डिफिकल्टी इन स्वेलोविंग मतलब निगलने में कठिनाई होने पर मतलब कोई भी लिक्विड या खाने को निगलने में कोई डिफिकल्टी होने पर इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यह है हमारी इसोफेगस होती है जब अपन कुछ खाते पीते हैं तो इसोफेगस में खाना रुक जाता है या खाने खाने में डिफिकल्टी होती है उस कंडीशन में अपन बेरियम स्वेलो टेस्ट करते हैं सेकेंड नंबर है ई आर डी मतलब गेस्ट्रोइेल रिफ्लेक्स डिजीज मतलब स्टोमक से एसिड या देख सकते हैं कि यह है इसोफेगस होती है और यहां पर इसोफेगस और स्टोमक के बीच में एक स्पिंटर लगा होता है और यह स्टोमक होता है जब इसोफेगस से खाना या लिक्विड स्टोमक में आता है तो यह स्पिन्टर बंद हो जाते हैं लेकिन जी आर डी डिजीज होने पर यह लिक्विड वापस इस प्रकार इसोफेगस में आ जाता है मतलब बेक फ्लो करता है थर्ड नंबर है इसोफेजियल अट्रेसिया मतलब अबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ इसोफेगस मतलब इसोफेगस का डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं होने पर यानी इसोफेगस या तो अधूरी रह जाती है या फिर किसी और ऑर्गन से जैसे ट्रेकिया से जुड़ जाती है यह प्रॉब्लम जन्म से भी हो सकती है इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि इस प्रकार इसोफेगस और ट्रेकिया दोनों जुड़ जाती है फोर नंबर है इसोफेजियल अल्सर्स एंड पॉलिप्स मतलब इसोफेगस में अल्सर्स मतलब छाले होने पर और पॉलिप्स मतलब इसोफेगस में जो टिश्यू होते हैं वह दानादार संरचना के रूप में बढ़ने लग जाते हैं आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि इस प्रकार इसोफेगस में अल्सर या पॉलिप्स हो जाते हैं नेक्स्ट है फेल्ड अपर जीआई एंडोस्कोपी मतलब अपर गेस्ट्रो इंटेस्टनल ट्रैक्ट के एंडोस्कोपी कर रहे हैं तो वह किसी कारण से फेल हो जाती है तो भी अपन बेरियम स्वेलो टेस्ट करते हैं नेक्स्ट है डायवर्टिकुला मतलब इसोफेगस की वॉल के बाहर एक पैकेट के आकार की संरचना बन जाती है जिससे इसोफेगस में आने वाला खाना या फ्लूड इस पैकेट में जमा हो जाता है इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि इस प्रकार इसोफेगस के बाहर एक पैकेट नोमा संरचना बन जाती है नेक्स्ट है ब्लड इन वोमेट्स मतलब वोमिट के साथ में ब्लड आने पर नेक्स्ट है इसोफेजियल कार्सिनोमा मतलब इसोफेगस में कैंसर होने पर तो फ्रेंड्स यह सभी कंडीशन होने पर अपन बेरियम स्वेलो टेस्ट करते हैं फ्रेंड्स अब अपन कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में जानते हैं मतलब किन किन कंडीशंस में अपन यह प्रोसीजर नहीं करते हैं फर्स्ट नंबर है सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी मतलब फीमेल पेशेंट में अगर सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी है तो उस कंडीशन में अपन यह प्रोसीजर नहीं करते हैं सेकेंड नंबर है सीवियर कॉन्स्टिपेशन या बोवेल ऑब्स्ट्रेक्शन मतलब बहुत ज्यादा कब्ज़ी होने पर या बोवेल में किसी प्रकार की रुकावट होने पर थर्ड नंबर है टीई मतलब ट्रैक्यो फिस्टुला फ्रेंड्स इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्रेकिया और इसोफेगस के बीच में एक अबनॉर्मल फ्लेक्शन बन रहा है तो इस प्रकार का फिस्टुला होने पर भी अपन बेरियम स्वेलो टेस्ट नहीं करते हैं नेक्स्ट है इसोफेजियल मतलब इसोफेगस में किसी प्रकार का पौर या छिद्र बन जाता है, क्योंकि जो अपन बेरियम पिलाते हैं, वह सी कैविटी में जा सकता है इसलिए इस कंडीशन में भी अपन यह प्रोसीजर नहीं करते हैं नेक्स्ट है रिसेंट इसोफेजियल सर्जरी मतलब रिसेंट में इसोफेगस के किसी भी प्रकार की अगर सर्जरी हुई है तो अपन यह टेस्ट नहीं करते हैं फ्रेंड्स अब हम कॉन्ट्रास्ट मीडिया के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स फर्स्ट है सिंगल कॉन्ट्रास्ट स्टडी सेकंड है डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी तो फ्रेंड्स सबसे पहले अपन सिंगल कॉन्ट्रास्ट स्टडी के बारे में जानते हैं फ्रेंड्स सिंगल कॉन्ट्रास्ट स्टडी में अपन एटी परसेंट वेट पर वॉल्यूम बेरियम सल्फेट सस्पेंशन का यूज करते हैं टू डेमोस्ट्रेट ग्रोस पैथोलॉजी एंड अबनॉर्मलिटीज मतलब सिंगल कंट्रास्ट स्टडी में इसोफेगस की अबनॉर्मलिटीज और ग्रोस पैथोलॉजीज को देखा जाता है सेकेंड नंबर है डबल कंट्रास्ट स्टडी फ्रेंड्स डबल कंट्रास्ट स्टडी में अपन हाई डेंसिटी का कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज करते हैं इसमें ढाई से परसेंट वेट पर वॉल्यूम बेरियम सल्फेट सस्पेंशन का यूज किया जाता है मतलब इसमें सिंगल कॉन्ट्रास्ट स्टडी की तुलना में बेरियम सल्फेट थोड़ा पतला होता है टू डेमोस्ट्रेड म्यूकोसा पैटर्न मतलब म्यूकोसल पैटर्न को देखने के लिए अपन डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी करते हैं फ्रेंड्स अब हम इक्विपमेंट्स के बारे में जानते हैं मतलब बेरियम टेस्ट के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट्स की आवश्यकता होती है फर्स्ट नंबर है फ्लोरोस्कोपी यूनिट के साथ में आई आई सिस्टम होना चाहिए स्पॉट फिल्म डिवाइस होनी चाहिए कॉन्ट्रास्ट मीडिया होना चाहिए डिजिटल वाटर फॉर बेरियम प्रिपरेशन मतलब बेरियम प्रिपरेशन के लिए डिजिटल वाटर होना चाहिए रेडियोग्राफिक कैसेट होनी चाहिए और डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी के लिए इफरवे पाउडर की आवश्यकता होती है यह पाउडर इसोफेगस में गैस प्रोड्यूसिंग का, का काम करता है तो फ्रेंड्स यह सभी इक्विपमेंट्स बेरियम स्वेलो टेस्ट करने के लिए अवेलेबल होने चाहिए फ्रेंड्स अब अपन पेशेंट प्रिपरेशन के बारे में बात करते हैं मतलब बेरियम स्वेलो टेस्ट को करने से पहले पेशेंट को कैसे तैयार किया जाता है फर्स्ट नंबर है टू से थ्री आवर्स फास्टिंग बिफोर द एग्जामिनेशन मतलब प्रोसीजर करने से दो से तीन घंटे पहले पेशेंट को भूखा रहने के लिए कहा जाता है सेकंड है आक्स द पेशेंट ड्रिंक बिफोर द प्रोसीजर मतलब पेशेंट को प्रोसीजर से पहले कुछ भी खाना और पीने के लिए मना करना चाहिए थर्ड नंबर है रिमोव ऑल मेटलिक आर्टिफेक्ट एट द एरिया ऑफ इंटरेस्ट एंड वेयर ए हॉस्पिटल गाउन मतलब प्रोसीजर करने वाले एरिया से सभी मेटलिक चीजों को रिमूव कर देना चाहिए जिससे आर्टिफेक्ट नहीं आते हैं और पेशेंट को हॉस्पिटल गाउन पहनाना चाहिए फोर नंबर है चेक प्रेगनेंसी स्टेटस मतलब फीमेल पेशेंट का प्रेगनेंसी स्टेटस चेक करना चाहिए अगर पेशेंट के प्रेगनेंसी है तो इस टेस्ट को अवॉइड करना चाहिए नेक्स्ट है ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन डिस्क्राइब द होल प्रोसीजर टू द पेशेंट मतलब एग्जामिनेशन के दिन पेशेंट को पूरे प्रोसीजर के बारे में बताना चाहिए फ्रेंड्स अब अपन प्रोसीजर या टेक्निक्स के बारे में जानते हैं फ्रेंड्स सबसे पहले अपन सिंगल कॉन्ट्रास्ट स्टडी के बारे में जानते हैं सिंगल कॉन्ट्रास्ट स्टडी इज इस परफॉर्म टू डेमोस्ट्रेट पैथोलॉजी एंड अबनॉर्मलिटीज मतलब सिंगल कॉन्ट्रास्ट स्टडी इसोफेगस की पैथोलॉजी और अबनॉर्मलिटीज को डायग्नोस या डेमोस्ट्रेट करने के लिए करते हैं प्लस द पेशेंट इन द अपराइट पोजिशन विथ हेड टर्न बिहाइंड द फ्लोरोस्कोपिक स्क्रीन मतलब इस प्रोसीजर के लिए सबसे पहले पेशेंट को फ्लोरोस्कोपिक स्क्रीन के पीछे हेड को टर्न करके अपराइट पोजीशन में खड़ा करना चाहिए फ्रेंड्स इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि इस प्रकार पेशेंट को अपराइट पोजीशन में फ्लोरोस्कोपिक स्क्रीन के पीछे खड़ा किया जाता है ए प्रिपेयर्ड 15 टू 20 एम 80% परसेंट वेट पर वॉल्यूम बैरियम सल्फेट सोल्यूशन गिवन टू द पेशेंट एंड पेशेंट होल्ड इन दरल कैविटी मतलब पेशेंट को 15 से 20 एम 80 परसेंट वेट पर वॉल्यूम बेरियम सल्फेट सॉल्यूशन तैयार किया जाता है फिर पेशेंट के मुंह में बेरियम को फुल किया जाता है और बेरियम को ओरल कैविटी में रखा जाता है मतलब होल्ड किया जाता है नोट टू बी स्वेलो अंटिल टोल टू स्वेलो मतलब जब तक बेरियम को निगलने के लिए न कहा जाए तब तक पेशेंट को बेरियम नहीं निगलना चाहिए और फ्रेंड्स एक्सपोजर देते टाइम पेशेंट को बेरियम निगलने के लिए कहा जाता है द पासज ऑफ बेरियम इज एग्जामाइंड बाय द रेडियोलॉजिस्ट अंडर फ्लोरोस्कोपी मशीन मतलब बेरियम इसोफेगस में कहां तक पहुंचा है यह रेडियोलॉजिस्ट फ्लोरोस्कोपी मशीन में देखते रहते हैं एपी लेटरल राइट पोस्टेयर लेफ्ट पोस्टेटिंग टू द रेडियो लेटरल राइट पोस्टेर ऑब्लिक लेफ्ट पोस्ट ऑब्लिक फिल्मिंग ली जाती है और रेडियोलॉजिस्ट के अनुसार स्पॉटफिल डिवाइस का यूज करके अलग अलग व्यूज लिए जाते हैं मतलब रेडियोलॉजिस्ट को अगर कुछ और पैथोलॉजी देखनी है तो वह अपने अकॉर्डिंग और व्यूज लेते हैं ऑल एक्सपोजर शुड बी मेड इन सस्पेंडेड रेस्पिरेशन मतलब सभी एक्सपोजर सस्पेंडेड रेस्पिरेशन मतलब सांस रुकवा कर ही करने चाहिए राइट एंटेर ऑब्लिक इज द बेस्ट पोजिशन ऑफ डेमोस्ट्रेट बेरियम फेल्ड इसोफेगस एंड गैस्ट्रिक रिफ्लैक्स मतलब बेरियम से भरे हुए इसोफेगस और गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स को देखने के लिए राइट ऑब्लिक सबसे बेस्ट पॉजिशन होती है फ्रेंड्स इन डायग्राम्स में आप देख सकते हैं कि अपन सिंगल कॉन्ट्रास्ट स्टडी में इस प्रकार कॉन्ट्रास्ट को देखते हैं और इसोफेगस की पैथोलॉजीज और अबनॉर्मलिटीज का पता लगाया जाता है फ्रेंड्स अब अपन डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी के बारे में जानते हैं मतलब बेरियम स्वेलो टेस्ट में डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी क्यों की जाती है और कैसे की जाती है डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी इज परफॉर्म टू डेमोस्ट्रेट म्यूकोसल पैटर्न मतलब इसोफेगस के म्यूकोसल पैटर्न को डेमोस्ट्रेट करने के लिए डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी की जाती है मतलब म्यूकोसल पैटर्न से रिलेटेड जितनी भी पैथोलॉजीज या अबनॉर्मलिटीज होती है उनको हम डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी में ही डायग्नोस करते हैं इंजेक्शन बुस्कोपान आईवी गिवन बिफोर द प्रोसीजर टू कीप इसोफेगस डिस्टेंडेड फ्रॉम लॉन्गर टाइम मतलब डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी करने के लिए प्रोसीजर करने से पहले बुस्कोपान इंजेक्शन इंट्रावेनसली दिया जाता है यह इंजेक्शन इसोफेगस को ज्यादा टाइम तक डिस्टेंडेड मतलब ज्यादा टाइम तक फैलाए रखता है हाइपोटोमिक एजेंट बुस्कोपान एंड ग्लूकोगोन इज गिवन टू पेशेंट मतलब पेशेंट को हाइपोटोनिक एजेंट बुस्कोपान या ग्लूकोग भी दिया जा सकता है हाई डेंसिटी बेरियम सल्फेट वन माउथफुल गिवन टू द पेशेंट एंड टू स्वेलो मतलब पेशेंट को हाई डेंसिटी बेरियम सल्फेट से एक बार माउथफुल करवाया जाता है और फिर निगलने के लिए कहा जाता है द पासज ऑफ बेरियम इज एग्जामाइंड बाई द रेडियोलॉजिस्ट अंडर फ्लोरोस्कोपी मशीन मतलब बेरियम इसोफेगस में कहां तक पास हो रहा है यह रेडियोलॉजिस्ट फ्लोरोस्कोपी मशीन में देखते रहते हैं पाउडर बेरियम मतलब पेशेंट को बेरियम सल्फेट के एक बार माउथफुल के साथ में इफरवे पाउडर भी दिया जाता है फ्रेंड्स इफरवे पाउडर से इसोफेगस में गैस प्रोड्यूसिंग होती है जिससे इसोफेगस का म्यूकोसल पैटर्न अच्छे से दिखाई देता है द पेशेंट शुड नॉट ब्रप आफ्टर स्वेलोविंग के बाद में पेशेंट को डकार नहीं आनी चाहिए मतलब पेशेंट को बता देना चाहिए कि बेरियम निकलने के बाद आपको डकार नहीं लेनी है द रेडियोलॉजिस्ट एब्जॉर्वर द पासज ऑफ बेरियम अंडर फ्लोरोस्कोपी एंड स्पॉट फिल्म आर टेकन ड्यूरिंग एडिक्वेट डिस्टेंसन ऑफ इसोफेगस इन एपी राइट पोस्ट्रिय ऑब्लिक लेफ्ट पोस्ट्रब्लिक पोजिशन मतलब रेडियोलॉजिस्ट फ्लोरोस्कोपी में बेरियम के मार्ग को देखते रहते हैं और एंटेर टू पोस्टेर राइट पोस्ट्रिय ऑब्लिक लेफ्ट पोस्ट्रब्लिक पोजिशन में इसोफेगस के डिस्टेंशन के दौरान स्पॉट फिल्म ले जाती है और फ्रेंड्स अगर रेडियोलॉजिस्ट को अलग से पैथोलॉजी देखनी है तो वह अपने अकॉर्डिंग भी फिल्मिंग कर सकते हैं फ्रेंड्स अब अपन आफ्टर केयर के बारे में जानते हैं मतलब बेरिम स्वेलो टेस्ट करने के बाद पेशेंट की क्या आफ्टर केयर करनी चाहिए इन्फॉर्म द पेशेंट अबाउट द फैसेज विल बी वाइट इज फॉर फ्यू डेज मतलब पेशेंट को इन्फॉर्म कर देना चाहिए कि जो उसका मल होता है वह कुछ दिनों तक वाइट ही आएगा पेशेंट विथ एडवाइज टू ड्रिंक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर मतलब पेशेंट को पर्याप्त मात्रा में या ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की सलाह देनी चाहिए द पेशेंट टू इनक्रीज द फ्लू इंटेक टू कॉन्स्टिपेशन मतलब कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्जी से बचने के लिए पेशेंट को फ्लूड या लिक्विड ज्यादा से ज्यादा लेने के लिए बोला जाता है फ्रेंड्स अब अपन कॉम्प्लीकेशन के बारे में जानते हैं मतलब बेरियम स्वेलो टेस्ट करते टाइम पेशेंट को क्या क्या कठिनाइयां हो सकती है फर्स्ट नंबर है एस्पिरेशन ऑफ कॉन्ट्रास्ट मीडिया मतलब पेशेंट कॉन्ट्रास्ट मीडिया को लंग्स में निगल सकता है या लंग्स में कॉन्ट्रास्ट मीडिया एस्पिरेशन कर सकता है आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि इस प्रकार कॉन्ट्रास्ट लंग्स में एस्पिरेट कर जाता है सेकेंड नंबर है वॉमिटिंग मतलब पेशेंट को बेरियम निगलने के बाद वॉमिटिंग हो सकती है थर्ड नंबर है लीकेज ऑफ बेरियम फ्रॉम एन अनसस्पेक्टेड परफोरेशन मतलब जहां भी अनसस्पेक्टेड प्रफोरेशन है वहां से कॉन्ट्रास्ट मीडिया लीक कर सकता है जिससे कॉन्ट्रास्ट मीडिया कैविटी में चला जाता है मतलब इसोफेगस से मीडिया लीक होकर कैविटी में जा सकता है तो फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक यही कंप्लीट होता है फ्रेंड्स अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और रेडियोलॉजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें